जी क्या नाम है तुम्हारा? हया फातिमा। वापसी पे घर आ रहा था तो भागसाथी तौर पे निकाह हो गया। व्हाट? मैं नहीं मानता हूं ऐसे किसी निकाह। सब कुछ तो होता ही है और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। हाँ करती हूँ मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत सिर्फ किताबों में मिलती है मेरी जान। सारा जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? सारा क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ पे? दरवाजा नहीं खोल रही ना, कुछ जवाब दे रही है। सारा सारा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सारा 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 ये क्या कर रही हो तुम? सारा क्या हुआ था? क्या हुआ है? क्यों कर रही हो? तुम्हें तुम्हें पता है ना कि कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम तो मेरी परी हो ना, छोटी सी गुड़िया हो तुम मेरी।
आपकी गुड़िया टूट चुकी है भाई, आपकी गुड़िया टूट चुकी है। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ। मैं अच्छी लड़की नहीं हूं भाई, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। दूर है मुझसे आप, मुझे अपने आप से घृणा आ रही है, मुझे अपने वजूद से घृणा आ रही है भाई। हुआ क्या है बताओ, मुझे दिल बैठ रहा है मेरा। भाई मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, मुझे मर जाने दे, मुझे ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हुआ क्या है? मैं मर जाना चाहिए। हुआ क्या है? मुझसे गलती हो गई भाई। क्यों? आप मुझे कहते थे ना, मुझे समझाते थे कि लड़कों से बात नहीं करनी, दूर रहना है। हुआ क्या है? मैंने आपकी नहीं सुनी, मैं आपकी मोहब्बत में अंधी हो गई। मैं जिसको मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं थी, वो धोखा था, फरेब था वो, उसने मुझे धोखा दिया। आपने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, क्या मर्द ऐसे होते हैं भाई? बताएं, कोई ऐसे अपना बनाकर इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकता है? ऐसा क्यों हुआ भाई, ये सब क्यों हुआ? अरे भाई मुझे जवाब दे। तमाशा बनाने वाले मदारी सिर्फ मर्द नहीं होते, इस खेल में लड़कियां भी बराबर की शरीक होती हैं। तुम खिलौना बनी तो वो खेला, तुम अगर पत्थर बन जाती तो वो अपना सर फोड़ता और वापस चला जाता। तुम्हारा भाई भी इसी मुआशरे का एक आम सा मर्द है। लोग तो मोहब्बत करके मुकर जाते हैं, वो तो निकाह को ही अहमियत नहीं देगा। तो जब किसी की बेटी के साथ करोगे तो अपने आगे तो आएगा। पानी। मेरा नाम असफंदियार है, तुम्हारे बाप ने कर्ज लिया था मुझसे, अब वो तो रहा नहीं, तो तू कर्ज उतारेगी उसका। तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, इसका बाप मर गया। इस लड़की को दे दे। उससे तुम्हारा निकाह हुआ है। क्या मर्द ऐसे होते हैं भाई, बताएं, कोई ऐसे अपना बनाकर इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकता है? वापसी पे घर आ रहा था तो भाग साथी तौर पे निकाह हो गया। मैं नहीं मानता हूँ ऐसे किसी निकाह, नहीं मानता। ऐसा क्यों हुआ भाई? भाई मुझे जवाब दे। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा किसी की बदवा से? मैं नहीं मानता ऐसे किसी निकाह, मुझे जवाब दे। उससे तुम्हारा निकाह हुआ है। या शाह है ओ मामा,
मेरी लाज तुम्हारे सरकार, मेरी नैया लगा दो अपने करम से टूटी हुई आंसू में दुख से भरा दिल है मेरा। अल्लाह, सूरत की तरह आवाज भी खूबसूरत है। कौन है तू? मैं गरीब लड़की हूं मगर इज्जतदार। आपको अल्लाह का वास्ता, मेरी इज्जत बचा लीजिए। मैं नहीं जानती लोग मुझे यहां क्यों उठा लाए। दो ही वजह हो सकती है, या तो तूने किसी मर्द की गैरत को ललकारा होगा, या फिर उस मर्द की मर्दानगी पर थूक दिया होगा। कुछ ऐसे किया है ना तूने? ना रो मेरी बच्ची। मेरा कोई नहीं है, ना बाप ना भाई ना ना ही। उठ मेरी बच्ची, तू शादीशुदा है? क्या नाम है उसका? सलार नाम है मेरे शौहर का। शादी की सुबह ही मुझे प्यास ना करके चला गया। साहिबान बनने के लिए आया था मगर उसने तो मेरे पैरों तक की जमीन छीन ली। ऐसे नामहाद शरीफों से तो बाजारे हुस्न की तवायफ ही अच्छी। ये औरतें अपनी इज्जत का सौदा भी करती हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ करती हैं, और ये इज्जतदार मर्द बेईमानी भी ईमानदारी के साथ नहीं करते। मेरी मदद करें, मुझे खुद बताएं मैं कहां जाऊं, किससे पना मांगूं। मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरा कोई नहीं है। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे ऐसे निकाल ले। वैसे मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है मगर तेरे चेहरे की ये मासूमियत देखकर तो मेरा तो दिल करता है कि मैं एक नेकी कर ही लूं। एक ऐसी सजा मिली है मुझे मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मेरी मदद कर, मुझे माफ कर दे। हेलो तैमूर, कहाँ हो तुम? हमजा का पता करो कहाँ है वो। हाँ असफन यार का छोटा भाई, पता करो उसका जल्दी। तुम और यहां? जी मैं सालार, आपने पहचाना मुझे? हाँ, वो उस रात मैं आया था और मैं जरा ठीक नहीं था। मेरा निकाह हुआ था हया से, अगर आपको याद हो। याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह याद है। मेरे हाथ पर पैसे रखकर चले गए थे तुम। हया कहाँ है? मैं तो दो तीन बार सुबह से आ चुकी हूँ मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम तो समझे थे कि वो तुम्हारे पास गई है। क्या मतलब? क्या वो तुम्हारे पास नहीं गई? नहीं। वो कहाँ जा सकती है? हेलो
हाँ तुम लोग पहुंचो वहां, मैं आता हूं। ओके ओके स्लीप हियर, प्लीज मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर भैया से कोई रابطہ हो तो उससे कहिए कि प्लीज मुझे फोन करें। ठीक है, शुक्रिया। मैंने एक शेर अर्ज करना है, अर्ज किया है, गुजरी सियाह कारी में या रब तमाम सरकार, मामूली सा कर्ज देकर इतनी बड़ी दौलत क्यों सरकार है? सरकार मैंने तो अपना हिसाब बराबर कर दिया, अब आप अपनी कीमत वसूल। अरे तू हिसाब किताब का बड़ा ही पक्का है दिलदारा। हाँ सरकार, हाँ। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मजा आएगा। इस गौहर को नायाब हम बनाएंगे। आवाज क्या है? कोयल की कूक है, जरा सुनिए तो। सालार, फंदियार है, तुम्हारे बाप ने कर्ज लिया था मुझसे, अब वो तो रहा नहीं, तो तू कर्ज उतारेंगे उसका। सुना है बड़ी अना वाली है तू, अब वक्त आ गया है अपना एहसान उतार। बहुत खूबसूरत हो तुम, ये शराब का नशा है या तुम्हारी मासूमियत का? मेरी आंखें तुम्हें देख नहीं पा रही,
بچپن میں بہت ساری تتلیاں پکڑتا تھا میں، کبھی یہاں کبھی وہاں اڑتی رہتی تھی، اگر میں پکڑی لیتا تھا۔ ہاتھ چھوڑ دینا، ہاتھ چھوڑو۔ اور ان تتلیوں کو مسل کر ادھواں چھوڑ دیتا تھا۔ کمرے میں ساری باتوں کو چھوڑ دے، تو جلدی کر، یہاں سے نکلنے کی کر۔ عالم، وہ بھی آیا تھا۔ کون؟ میرا شوہر، جس سے میرا نکاح ہوا تھا، وہ یہاں آیا تھا۔ تجھے یقین ہے کہ وہی آیا تھا؟ ہاں، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چل، یہ تو اچھا ہو گیا، وہ تجھے ضرور لینے آیا ہوگا۔ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے میری جان۔ اب تو یہاں سے نکلنے والی، کر جلدی کر پلیز۔ تو مجھے بھی یاد بہت آئے گی۔ مجھے بھی خان، جا، اللہ کی سپرد۔ یہاں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ میں سالار، پہچانا تم نے مجھے؟ ہاں، ایک شوہر جو اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اتنی فکر تھی میری تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ چلو، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آیا، مجھے دیر ہو رہی ہے، چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، کہہ رہا ہوں میں۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا۔ تمہاری ماں کے مرنے کی وجہ میں نہیں تھی۔ دیکھو، اگر محبت سچی ہو تو کسی تیسرے کی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے، مگر تمہاری ماں کی محبت میں کہیں نہ کہیں شاید کوئی کمی تھی جو تمہارے باپ نے مجھ سے شادی کی۔ تمہاری ماں کو توڑا بے وفائی کی ضرب سے اور مجھ سے دوسری شادی کی، مگر چھپایا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سالار نے نکاح کیا ہے، مگر چھپایا نہیں۔ نکاح؟ بھائی نے نکاح کر لیا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حیا فاطمہ نام ہے، غریب ہے مگر بہت خوددار لڑکی ہے۔ آپ مل بھی چکی ہیں؟ میں اپنی پرفریب دنیا میں اتنی گم تھی کہ مجھے خبر تک نہیں ہوئی کہ بھائی نے شادی کر لی۔
भाई ने बहन होने का हक तक छीन लिया मुझसे। मैं उस हमजा की झूठी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि भाई की सच्ची मोहब्बत का रिश्ता खो बैठी। बंदूक हटा लो इससे। तुमने मेरी बहन की जिंदगी तो तबाह की है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि रिश्ते कभी बंदूक की नोक पर नहीं बनते। सारा की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। दिल तो चाहता है कि जान ले लूं मैं तुम्हारी। पता है तुम्हें किस हाल में है? वो मर रही है, वो जिसे झूठे प्यार का झांसा दिया है तुमने। मैं गलत नहीं हूं। तुम गलत हो या सही हो, ये बात तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, कान खोल के सुन लो, अगर तुम जिंदा बच गए हो तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि सारा बेबना मोहब्बत करती है तुमसे, बिल्कुल उस आम लड़की की तरह जो किसी के नाम पे जीती मरती है, समझे तुम? वरना मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जान ले लूं मैं तुम्हारी। मुझे माफ कर दो सालार। मुझसे माफी किस चीज की मांग रहे हो तुम? मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसके मुजरिम हो तुम, जिसका दिल तोड़ा है तुमने। तुमने एक लड़की की ईगो को हर्ट किया है, अगर तुम उससे माफी मांगोगे तो उसकी ईगो बरकरार रहेगी। यार मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं और तुम एक ही राह के भटके हुए मुसाफिर हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है तुम उसमें, लेकिन एक फर्क है, मैंने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला जैसे तुम खेलते हो किसी के जज्बात के साथ, किसी के एहसास के साथ। ये सब कुछ खेल तमाशा है ना तुम्हारे लिए, मजा आता है ना तुम्हें, लेकिन ये सब करते हुए भूल गए हो तुम। ये खेल तमाशों में कभी कभी किसी की आह लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है। मुझे माफ कर दो सालार। मुझसे माफी मत मांगो जिसके मुजरिम हो, उससे माफी मांगो। चलो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो सकता है? भाई ने निकाह कर लिया, वो लड़की कहां से आई, कौन है? ये है वो लड़की जिसे निकाह किया है मैंने। खुशकिस्मत हो तुम जो इज्जत वाले रिश्ते में बंध गई हो। इसे जानती हो तुम? हाँ पहचानती हूं, ये वो मर्द है जो अपने मर्दानगी की जोंग में कुछ भी कर सकता है। जब आपको अपना हक नहीं मिलता ना तो उसे छीनना पड़ता है सारा। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने यही सीखा है, प्लीज तुम भी सीख लो। मुझे माफ कर दो सारा। सारा मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, यही है ना तुम्हारी मोहब्बत, इसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया मैंने। अब तुम चाहो तो इसे ठुकरा दो, चाहो तो अपना लो, ये सब तुम पे है। मोहब्बत खैरात की तरह नहीं एहसास की तरह मिलनी चाहिए। दिलों के रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते। मुझे माफ कर दो सारा, मैं वाकई एक बुरा इंसान, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मैंने फ्लर्ट किया है, कितनी बार मैं तुमसे झूठ बोलता रहा, लेकिन एक बात सच है कि अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ मैंने फ्लर्ट किया है वो सब के सब
मेरी तरह झूठी और फरेबी थी। कभी मेरे लिए या मेरी मोहब्बत में मरने की कोशिश नहीं की। मैं बस उनसे खेलता रहा और वो मुझसे। मैं शायद कभी तुमसे शादी नहीं करता, मगर जब गाड़ी में सालार और हया की बातें सुनी तो मुझे अंदाजा हुआ कि इज्जत एक बड़ा ही सफाक मामला है। इसमें अल्लाह अपने ही घर की बहू बेटियों को फरेब खिलाकर एहसास दिलाता है। मैं शायद तुम जैसी अच्छी लड़की डिजर्व नहीं करता, लेकिन एक बार सारा, एक बार मुझे माफ कर दो और मेरा हाथ थाम लो। शायद शायद मैं सुधर जाऊं, भटकने से बच जाऊं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, इज्जत के साथ और सबके सामने। असवंत और उसके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसा तो होना ही था, बुराई का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। सही। वो तुम दोनों बहन भाइयों का निकाह तो हो चुका है, पर शादी मैं शादी के तरीके से करना चाहती हूँ। कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं तुम्हें बताए बगैर। अरे इसमें पूछने की जरूरत क्या है? आपको जो सही लगा आपने किया और करना चाहिए आपको। हाँ वो ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है। मैंने ये घर और बाबा की आधी जायदाद आपके नाम कर दी है। बाबा अपनी जिंदगी में आपको आपका हक नहीं दे सके। मुझे ऐसा लगता है कि घर औरत का बुनियादी हक होता है। ये घर मैंने आपके नाम लगवा दिया है। सालार, I cannot believe this. मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है और कभी भी नहीं थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हारे बाबा ने जो रिश्ता मेरे साथ कायम किया है, तुम लोग उसको सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर लो। मैं सगी ना सही, लेकिन हूं तो तुम लोगों की माँ। मेरे नजदीक जिंदगी गुजारने के लिए पैसे से ज्यादा अहम मोहब्बत है, रिश्ते हैं। और मुझे हया की सूरत में हसीन तरीन रिश्ता और मोहब्बत मिल गई है। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान हूं मैं। मुझे बाबा की इस जायदाद में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जाने अनजाने में आज तक अगर मैंने कभी आपसे कोई बदतमीजी की तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, बाबा की दूसरी बीवी होने के नाते से। एक बार माँ बोल सकता हूँ आपको। क्यों नहीं? I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry too. Thank you.
वैसे उस दिन जो मैं होश में नहीं था, अच्छा हुआ। क्या मतलब? मतलब अगर मैं होश में होता तो मेरे नसीब में तुम जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की कहां से होती? नेकी का सिला अच्छा ही मिलता है। नहीं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई इतनी बड़ी नेकी नहीं की है जिसके बदले में मुझे तुम जैसा तोहफा मिले। मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। सच तो यह है कि मुझे कोई मेरे जैसी लड़की मिलती बिगड़ी हुई वाइफ की सूरत में। कभी कभार छोटी सी नेकी का बहुत बड़ा सिला मिलता है। मेरे लिए तो आप दोनों बार ही रहमत का फरिश्ता बनकर आए। पहले मुझे उस लालची इंसान से बचाया और फिर अस्फंदियार के जाल से। दोनों ही बार अल्लाह ने आपको मेरी मदद का जरिया बनाया है। हाँ, शायद मेरा और तुम्हारा मिलना इसी तरह से लिखा था जी। अच्छा एक बात तो बता, वो क्या कहते हैं वो, हाँ मुंह दिखाई, क्या लोगी मुंह दिखाई में? 15,000। 15,000 का क्या करोगी? 200 रुपए सब्जी वाले को देने। और किस किस का हिसाब रहता? और हाँ, 1200 रुपए बिजली वाले के भी हैं। चलो तुम्हें सारे हिसाब अंदर जाके दे। एक मिनट। एक हिसाब और रहता है। हुकुम कीजिए, कौन सा हिसाब? मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, जिस रोज आप मुझे मिल जाएंगे हम शुक्राने का सजदा अदा करेंगे। सही।